தமிழருக்கு ஒரு தாயகம் வேண்டும் என்பதை நான் மட்டுமல்ல தமிழினம் முழுவதும். ये है LTTE के नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन की आवाज, जो अंतिम बार नवंबर 2008 में तमिल विद्रोहियों के शहीद दिवस कार्यक्रम में सुनी गई थी। जिस हिंसा के पैरोकार प्रभाकरन थे, उसका अंदाजा श्रीलंका के बाहर के लोगों के लिए लगा पाना मुश्किल है। एक आजाद तमिल देश की इच्छा लिए प्रभाकरन ने 26 सालों तक श्रीलंका की सरकार के साथ संघर्ष किया। इस लड़ाई में कुल 70,000 लोग खेत रहे, जिसमें खुद प्रभाकरन भी शामिल थे। अंतिम दम तक वो कहते रहे कि तमिल ईलम के संघर्ष में युद्ध विराम एक सही विकल्प नहीं है। 2002 में प्रभाकरन ने किलोनेची में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें मौजूद थे बाद में उन पर किताब लिखने वाले M.R. नारायण स्वामी। लिट्टे के कैंप में हम लोग ने रात बिताई, सुबह उठे नहाने के लिए, वहाँ कुआं था, वहीं पर हम लोगों ने नहाया। हमने जो सिक्योरिटी वहाँ पर देखा, 32 सालों के हमारी जो पत्रकारिता है, उसमें मैंने कभी भी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं देखा। उन लोगों ने एक एक करके, हम जितने भी पत्रकार थे, एक एक को कमरे में बुलाया, हमारे नोटबुक, हमारे पेंसिल, पेपर, पेन, हर चीज का उन्होंने बड़ा डिटेल में देखा। बल्कि नोटबुक और पेन को तो उन्होंने ले ही लिया। हम सबको अलग अलग करके उन्होंने फोटोग्राफ लिया। कैमरामैन जो थे, उन लोगों को तो ये कहा कि आप अपने कैमरास को जो है, एक वहां पर एक तराजू सा रखा हुआ था, उस पे रखें और उसमें हम तोलना चाहते हैं कि इसका वजन क्या है। तो नेचुरल है कि लोगों ने कहा कमाल है इसमें। बाद में हमें पता चला कि उनके पास ये जो जितने कैमरास होते हैं, उन सबके ओरिजिनल वेट उनको मालूम था। तो वो ये देखना चाह रहे थे कोई किसी कैमरा के अंदर कोई चीज ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से वो उसका वेट बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने बकायदा हमारे हाथों में और पाँव में सब जैसे मसाज करते हैं, उस ढंग से उन्होंने देखा कि भाई कहीं इसके मसूस तो नहीं है लोगों के, कोई ये ट्रेंड लोग तो नहीं है जो पत्रकार के नाम से हमारे यहाँ आ गए हैं। एक और पत्रकार जिन्हें प्रभाकरन से कई बार मिलने का मौका मिला, वो हैं CNN की भारत में ब्यूरो प्रमुख रह चुकी और एक मशहूर किताब आइलैंड इन ब्लड की लेखिका अनीता प्रताप। He is possibly one of the most remarkable men that I've met in my life. I have never met another person with such clarity of vision. मेरी आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई जिसके पास इतनी साफ दिव्य दृष्टि और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता हो। जबरदस्त दूरदर्शिता भी थी उनमें। मुझे याद है कि जब भारत उनकी मदद कर रहा था, हर तरह से, हथियारों से, पैसों से, मैं उनसे मिलने गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन उन्हें इन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मुझे इस पर सहसा यकीन नहीं हुआ था। प्रभाकरन का पहला शिकार गिलहरियां, चिड़ियां और गिरगिट थे और पहला हथियार एक मामूली गुलेल। फिर उन्होंने बंदूक उठाई और जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरैयप्पा को खुद अपने हाथों से गोली मारी। इसके बाद जो भी उनकी राह में आया, चाहे वो अमृत लिंगम हो या तिरुचेलवम या राजीव गांधी या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मैं एक ऐसे तमिल मिलिटेंट को जानता हूँ, वे आज के तारीख में जिंदा नहीं है, जो बहुत साल पहले एक बार प्रभाकरन से मुलाकात की थी उन्होंने वोनिया में, जब उनका वहाँ पर LTTE का एक छोटा सा कैंप था। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो प्रभाकरन ने बोला कि यार हमारे साथ एक छोटा सा एक शूटिंग टेस्ट करो, देखते हैं आप सही गोली चलाते हो, हम सही गोली चलाते हैं। तो फिर एक जो मिल्क मेड का एक कैन होता है, तो वो प्रभाकरन ने जाके रखा करीब 10-15 फीट दूर, और ये जो सज्जन थे, इनका नाम शंकर राजी था, उनको कहा कि भाई चलो आप फायरिंग करिए। तो इन्होंने 15 फीट दूरी से जो है, उन्होंने पिस्तौल से फायरिंग की। गोली उसे मतलब एक तरह से कोने में लगी और डब्बा थोड़ा गिर सा गया। फिर दोबारा उसी डब्बे को उन्होंने वहीं पर रखा, उस पिस्तौल को अपने हाथ में लिया, उसी जगह पर गए जहां से शंकर राजी ने फायर किया था और उन्होंने एम किया और फायर किया, और जिसे अंग्रेज में कहते हैं इट वॉज बुलसाई। ये जो शंकर राजी थे, इनकी तो ट्रेनिंग हुई थी PLO के साथ लेबनान में। तो इन्होंने कहा कमाल की बात है यार, मैं लेबनान से PLO की ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ, मुझे बुलसाई नहीं हुआ, ये बंदा जो है यहाँ से जंगल से बाहर निकला हुआ आदमी नहीं है, ज्यादा ज्यादा तमिलनाडु जाता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से हो गई। तो ये कह रहे थे कि मैं उससे पूछने ही वाला था, जब मैंने अचानक देखा कि जिस जगह पर थे वहां पर एक किताब पड़ा हुआ था, हाउ टू शूट, वो लंदन में छपी हुई किताब थी, अंग्रेजी की किताब थी। तो ये जो है बिल्कुल टोटली सेल्फ टॉट थे, वो क्लिंट ईस्टवुड के मूवीज को कभी देखा करते थे और ये वेस्टर्न मूवीज भी देखा करते थे, वो वेस्टर्न मूवीज जहाँ पर वो काउबॉय टाइप लोग होते हैं
जो मतलब बिल्कुल अचानक अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकालते हैं, पीछे मुड़ते हैं और धड़ाम करके फायरिंग करते हैं, ये मूवी भी भाई बार बार देखा करते थे। और हमें जब हम उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे तो लोग उनके साथ जो 1970 के दशक में जुड़े हुए थे वो कहते थे कि वो इतना फैसिनेटेड था इस चीज़ से कि वो बार बार ट्रेनिंग कैंप में, जैसे कि कोई सामने कोई दुश्मन है, वो बार बार ये प्रैक्टिस करते रहते थे। उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। एक बार एशिया वीक पत्रिका ने उनकी तुलना जाने माने क्रांतिकारी चे गुवारा से की थी। वहीं न्यूज वीक ने कहा था कि वो जीते जागते लेजेंड है। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था। उस वक्त प्रभाकरन दिल्ली से ट्रांजिट कर रहे थे बैक टू जाफना और कर्टसी कॉल के लिए आए थे मेरे पास मद्रास में। बड़े अदब के साथ मिले और बड़ी खुशी जाहिर की कि सीज फायर हो गया है और अमन चैन होगा उनके देश में। जब मैंने पूछा कि कोई ड्रिंक करेंगे तो कहने लगे कि नहीं, हम लोग तो ना ड्रिंक करते हैं ना सिगरेट। और पहली मुलाकात में तो यही लगा कि एक बहुत साधारण ऑनेस्ट मैन लगे मुझे। और बाद में जब मुलाकातें होती गईं तो फिर पता लगता गया कि ऐसी क्वालिटीज हैं उनमें जो कि लीडरशिप की अंदाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार क्वालिटीज थी। 1986 में जब भारत और श्रीलंका के बीच समझौता होने वाला था तो भारत ने उनको लेने के लिए 2 हेलीकॉप्टर श्रीलंका भेजे थे। उनको, उनके पूरे परिवार और चुनिंदा साथियों को दिल्ली लाया गया था। उस समय वो जाफना में थे और हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट हरदीपुरी गए थे वहां पर। और हरदीपुरी ने मुझे ये भी बताया था कि जब वो उसके घर पहुंचे जहां पर वो था तो प्रभाकरन बकायदा दरवाजे में खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। उनसे बात हुई, उन्होंने उनको बकायदा समझाया कि भाई इस तरह का एक समझौता होने वाला है और मोटे मोटे तौर पर समझौता ये होगा। तो उनको उसके बारे में काफी आकांक्षाएं थी लेकिन उनको बोला गया कि भाई आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद ही सब कुछ होगा, तो आप आए दिल्ली करके। उनको परसुएड करके दिल्ली लाया गया, अशोक होटल में रहे। और जब उनको पूरी तरह से पता चला कि जो एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया श्रीलंका के बीच में वो किस तरह का एग्रीमेंट है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे। और आखिरकार 28 जुलाई की शायद रात की बात है, वो और बालसिंघम राजीव गांधी को मिले और वहां पर उन्होंने बकायदा आश्वासन दिया कि हम इसको मानते हैं। और उस रात को मेरी बातचीत बालसिंघम से भी हुई थी और बालसिंघम ने मुझे कहा कि हाँ हमने माना है, लेकिन दिल से तो उन्होंने माना नहीं था। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उस समय राजीव गांधी को हिंदुस्तान के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने यह बताया था कि आप इसको छोड़े नहीं प्रभाकरन को, यहाँ से आप इसको बंदी बना के रखो दिल्ली में, और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि एलटीटी ने पूरे अपने हथियार जो है सरेंडर कर दिया है तब तक इसको बंदी बना के रखो, इसको ऊपर विश्वास मत करो। लेकिन राजीव गांधी का पर्सनैलिटी अलग था, उन्होंने कहा उसने मुझे अपना कमिटमेंट दे दिया है तो मैं उस पर विश्वास करता हूं करके उन्होंने उसको छोड़ा। वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वो गलती एक दिन जाके उनकी जान खा गई। और तो और राजीव गांधी ने उन्हें चलते चलते अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट भी उपहार में दी थी। राजीव गांधी को रास्ते से हटाना प्रभाकरन के लिए बहुत महंगा पड़ा। इससे एलटीटीई पर प्रतिबंध तो लगा ही, उन्होंने भारतीय तमिलों की गुडविल भी खो दी। 2009 आते आते उनके संगठन में इतनी फूट पड़ गई कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। उन्होंने श्रीलंका की सेना की बढ़ती शक्ति को भी आंकने में गलती की। प्रभाकरन पर एक और किताब लिखने वाले जनरल राज मेहता कहते हैं, जब इनकी ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो गई तो इनको मई के महीने में मुलाइटिवू एक कोस्टल एरिया है जहां पर इनको घेर लिया गया। लगभग 3 बजे 18 मई 2009 को आप कह सकते हैं लास्ट स्टैंड मतलब आखिरी मुकाबला डॉक्यूमेंट किया गया है, जिसमें एक लगून है नंदी कडल, ऐसे एक लगून के पास इन्होंने इनको घेर रखा था। अब गौर ये फरमाएं कि तीनों तरफ से जो लैंड साइड है वहां से घेर लिया, चौथी तरफ समुंदर थी, समुंदर में श्रीलंका नेवी का जाल बिछा हुआ था, तो मतलब कि बचने की जगह थी ही नहीं। और इस लास्ट स्टैंड में 9:30 बजे 19 मई को सार्जेंट मुथु बंदा रिपोर्ट करते हैं कर्नल जीवी रवि प्रिया को कि एक बॉडी मेरे सामने पड़ी हुई है, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रभाकरन की बॉडी है। तो उसको देखने के लिए लोग बड़ी एक्साइटमेंट में आए,
और देखा कि उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन डिस्क होता है जी, हर एक फौजी का डॉग टैग उसको बोलते हैं हंसी मजाक में, एल्युमिनियम का छोटा सा डिस्क होता है, घड़ी जैसे पहना जाता है, उसमें नंबर था 001 और शरीर पर दो पिस्तौलें थी जो सबको मालूम था कि ये ले चलते हैं। इसके बाद एक राइफल थी, शूटिंग राइफल थी विद टेलीस्कोपिक साइट, एक सैटेलाइट फोन था, डायबिटीज की जो दवाइयां थी वो भी इनके शरीर में एक छोटे से प्लास्टिक डब्बी में पाई गई। प्रभाकरन ने तमिल ईलम का जो सुनहरा सपना देखा था वो एक लंबी लड़ाई में खून से तरबतर हो गया और अंत में उसमें उनका स्वयं का भी खून मिल गया। क्या वजह थी उनकी मौत की? एम आर नारायण स्वामी कहते हैं, देखिए प्रभाकरन का जो पागलपन था उसके जिंदगी से जुड़ा हुआ था, ये उसका आखिरी दिन में बिल्कुल साफ नजर आया। जब ये साफ जाहिर था सब लोगों के लिए, जो श्रीलंका की सेना है वो बकायदा एलटीटी को मारने वाली है और लगातार आगे बढ़ रही है और एलटीटी लगातार पीछे हटती जा रही है, एलटीटी के सारे कमांडर एक एक करके मर रहे हैं या तो खुदकुशी कर रहे हैं और जनता बिल्कुल नाराज है, उस समय भी उसने ये कहा कि हम जो है सरेंडर नहीं करेंगे, ये उसका पागलपन था। क्योंकि कोई चारा भी नहीं था, भागे तो भागे कहां, हिंदुस्तान में कोई उसको शरण देने के लिए तैयार नहीं था और इनकी मिलिट्री ने उनको लास्ट मिनट तक, आखिरी मोमेंट तक उसको चेस किया और पकड़ के मारा। वो कैसे मारा वो इसके बारे में काफी वाद विवाद है, आज भी लोग ये कहते हैं कि उसको पकड़ा गया था जिंदा, कोलंबो ले गए, वहां पर उसके ऊपर यातनाएं की गई, वहां पर उसे गोली मारा गया और वापस लाश को जाके यहाँ डाल दिया। कई लोग कहते हैं भाई नहीं, उनकी मौत यहीं पर हुई। अब सच्चाई क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी मौत उसी ढंग से हुई जिस ढंग से उसने कई लोगों को मौत से गिराया। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।